See, derivation of second equation of motion by calculus method. Okay, let an instant small t ds be the infinitesimally small displacement of the object in infinitesimally small time interval dt, then its instantaneous velocity v is given by small v, then small v equal to ds upon dt. What is v? V is instantaneous velocity, ds is infinitesimally small displacement, and dt is infinitesimally small क्या time interval. Understand? चल, then ds equal to क्या हो जाएगा हमारा? ds equal to v dt. Substitute the value of v. V का formula क्या होता है? u plus a t. क्या हो गया? dt. Understand? चल, solve कर लेंगे. क्या हो जाएगा? u dt plus a t dt, then ds. अब इसे integration method से solve करेंगे, taking integration both side, then ds is 0 equal to u is constant, u you take क्या dt t 0 plus a is acceleration is constant, then t dt, और ये क्या हो जाएगा t 0. हमने पहले क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन में भी फॉर्मूला बता दिया था, क्या इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फार्मूला क्या था? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल टू t, इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू s. ठीक है, तो हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज करना है. चलिए ध्यान से देखेंगे, ये हो गया क्या हमारा s. ठीक है, इंटीग्रेशन ds का क्या हो जाएगा हमारा s, हो गया s 0, u इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dt का क्या हो जाएगा हमारा t, हो गया t 0 प्लस a इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ t dt, तो t dt का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा x पर n प्लस 1, यहां पे क्या हो जाएगा हमारा बोले t पर क्या हो जाएगा स्क्वायर 1 प्लस 1. ठीक है, और ये हो जाएगा क्या बाय 2. ठीक है, ये हो गया हमारा क्या t 0. समझ में आया ना? ये समझ में आ रहा है? ये देखिए, यही था इंटीग्रेशन ऑफ t, क्या था dt, तो t पे पावर 1 हुआ ना, इसे लिखेंगे क्या हम t पे पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, याद आएगा क्या हमारा t स्क्वायर बाय 2. अंडरस्टैंड? चलिए ध्यान से देखेंगे इसे, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे. चलिए ये हो गया हमारे क्या, अब इसी फॉर्म में हम s के फॉर्म में इसे लिखते हैं, s माइनस करके ये हो जाएगा हमारा s माइनस 0 इक्वल टू u, ये हो जाएगा क्या t माइनस 0. ठीक है, ये 2 को बाहर कर लेंगे, ये प्लस a बाई 2 हो गया, और इसे क्या लिखेंगे हम t स्क्वायर माइनस 0. ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे, ये हो गया क्या ut, ये हो गया s प्लस ये हो जाए मल्टीप्लाई करेंगे हाफ a t स्क्वायर. This is second equation of motion. Understand? Okay, thank you.